हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे दिवाली में बनने वाला पोहा मिक्सचर या फिर पोहा नमकीन, जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसे बनाना शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले एक बाउल में हम बेसन लेंगे। मैंने यहाँ पे एक कप के करीब बेसन लिया है। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, नमक। हल्दी हमने यहाँ पर हाफ चम्मच मिलाया है, जिससे कि कलर इसका अच्छा है। अब इसमें 2 से 3 चम्मच के करीब तेल मिलाएंगे, जिससे कि हमारे जो गांठियां हैं वो बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। अब इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा ऐड करेंगे, जो कि बेसन को अच्छे से फूलने में हेल्प करेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा अजवाइन ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे हाथों से थोड़ा सा अच्छे से क्रश करके इसमें अजवाइन ऐड करूँगी, जिससे कि इसमें बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब इन सभी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिला लेंगे। अगर आप इसमें पतली वाली सेव बनाएंगे तो इसमें अजवाइन वगैरह ना ऐड करें, वरना ये छांसे से थोड़ा सा निकलने में प्रॉब्लम होता है। तो मैं यहाँ पर मोटा वाला सेव गांठिया बनाऊँगी और इसका थोड़ा सा सक डो बनाकर तैयार कर लेंगे। हमें डो को ज़्यादा भी हार्ड नहीं गूंथना है। थोड़ा थोड़ा पानी देकर हम इसका थोड़ा सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। बेसन को गूंथने में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाता है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा तेल का हाथ लगाकर बेसन को गूंथकर तैयार कर लूँगी। एक बार बेसन अच्छे से गूंथ जाने के बाद मैं यहाँ पे हाथों को साफ़ करके हाथों में अच्छे से ऑयल लगाकर इसे गूंथकर अच्छे से तैयार कर लूँगी। बेसन के एक बार गूंथ जाने के बाद इसे थोड़ा सा रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब मैं यहाँ पे सेव बनाने के लिए मोटे वाले सांचे का यूज़ करूँगी। मैं यहाँ पे बेसन को लगभग 10 मिनट के लिए इसी तरह से छोड़ दूँगी और एक बार अच्छे से इसे जब तैयार करेंगे तो एक बार अच्छे से गूंथ लेंगे, जिससे कि ये और थोड़े से सॉफ्ट हो जाए। अब इसे इस सांचे में इसे भरकर इसके सेव गांठिया बनाकर तैयार कर लेंगे। याद रहे कि सांचे में डालने से पहले सांचे को अच्छे से ऑयल में एक बार ग्रीस कर ले, जिससे कि ये सांचे के चारों तरफ ना चिपके। सेव की गांठिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ऑयल को पहले से गर्म करने के लिए रख लिया है। अब इसे इस तरह से घुमाते हुए हम सेव की गांठिया बनाकर तैयार कर लेंगे। अब इसे लो टू मीडियम फ्लेम में इसे फ्राई होने के लिए छोड़ लेंगे। अब इसे चारों तरफ से पलटते हुए इसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हमने यहाँ पे सेव गांठिया छानकर तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं इसमें से बबल्स आना बंद हो गए हैं और सेव गांठिया भी अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम उसी ऑयल में चना दाल फ्राई करेंगे। तो ये रोस्टेड चना दाल है, इसे फ्राई करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो ये फ्राइड चना दाल है, तो इसे फ्राई करने में ज़्यादा समय नहीं लगता। तो यहाँ पे मीडियम आंच में मैं इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसे फ्राई कर लूँगी। यहाँ पे चना दाल फ्राई हो चुके हैं, अब इसे निकाल लेंगे। अभी यहाँ पे चना दाल फ्राई हो जाने के बाद मैं यहाँ पे थोड़े से नारियल के पीसेस लिए हैं, पतले पतले पीसेस। इसे भी थोड़ा सा ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इसमें सूखा नारियल भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे सूखा नारियल नहीं था, तो मैं यहाँ पे फ्रेश नारियल को
थोड़ा पतले पतले काट के मैं इसे फ्राई कर लूँगी। नारियल को फ्राई करते समय मैंने यहाँ पे लो टू मीडियम ही रखा है। यहाँ पे हमने सभी चीज़ों को लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई करना है। नारियल जब अच्छे ब्राउन फ्राई हो जाए तब इसे हम निकाल लेंगे। तो हमने यहाँ पे नारियल को भी फ्राई कर लिया है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। अभी मैं यहाँ पे एक कप के करीब लूँगी मूंगफली। अब मूंगफली को अच्छे से चलाते हुए हमें फ्राई कर लेना है जब तक कि इसका छिलका ना निकले। आप देखेंगे कि मूंगफली जब अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसके थोड़े से छिलके निकल जाते हैं। मूंगफली को हमें यहाँ पे अच्छे से फ्राई कर लेना है, वरना ये अगर कच्चा रहेगा तो इसका टेस्ट अच्छा नहीं आता है। यहाँ पे मूंगफली भी फ्राई हो चुकी है, इसे भी सभी चीज़ों के साथ एक साथ निकाल लेंगे। अभी मैं यहाँ पे लूँगी बड़े वाले साबुदाने या फिर जिसे हम गोंद बोलते हैं, उसे भी फ्राई कर लेंगे। इसे हमें हाई फ्लेम में इसे फ्राई करना है, ये बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। अगर इसे हम लो टू मीडियम में फ्राई करें तो ये ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये हाई फ्लेम में जाते ही अच्छे से फूल जाते हैं, जिससे हमें इसे हाई फ्लेम में फ्राई कर लेना है। अच्छे से फ्राई हो जाने के बाद इसे हम निकाल लेंगे। इसे फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगता। इसी के साथ ही मैंने यहाँ पे थोड़े से करी पत्ते लिए हैं और इसे गरम तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे। करी पत्ते को मैंने धूप में पहले से अच्छे से सुखा लिया था, जिससे कि ये फ्राई होने में थोड़े इजी हो और थोड़े क्रिस्पी बन जाएं। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाए तो ये अच्छे क्रिस्पी बन जाएंगे। अब इसे निकाल लेंगे और सभी चीज़ों के साथ इसे भी ऐड कर लेंगे। मैंने यहाँ पर अभी गैस को ऑफ कर लिया है। आप चाहे तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे काजू और बादाम। सभी चीज़ों के साथ इसे भी मिला लेंगे और सेव को इसमें तोड़कर ऐड कर लेंगे। अभी मैंने यहाँ पे बाकी बचे तेल को निकाल लिया और 2 से 3 चम्मच तेल लिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा और चीज़ें फ्राई करेंगे जो चूड़ा में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर लाता है। जीरा को हमें यहाँ पर अच्छे से फ्राई कर लेना है। जीरा जब अच्छे से तड़कने लगे तब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ लहसुन के टुकड़े और ग्रीन चिली के टुकड़े, जो कि चूड़ा में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर लाता है। अगर आप लहसुन नहीं खाते तो इसके स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 2 ग्रीन चिली लिया है। अगर आप ज़्यादा तीखा पसंद करते हैं तो आप इसमें और भी ग्रीन चिली ऐड कर सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा हमें ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है, जिसमें कि इसका फ्लेवर तेल में अच्छे से आ सके। एक बार जब लहसुन और मिर्ची अच्छे से ब्राउन हो जाए हमें गैस को ऑफ कर लेना है और इसमें 1 चम्मच के करीब हल्दी मिलाकर इस ऑयल को रखेंगे, हम चूड़ा में ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे गैस को ऑफ कर लिया है। अगर आप गैस ऑन करके ही ऐड करेंगे तो ये जल जाएगा। अब हम चूड़ा में थोड़ा सा मसाला ऐड करेंगे, तो हम इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे नमक लिया है, तो 1 बड़ा चम्मच मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है। इसी के साथ ही 2 बड़े चम्मच चीनी के लिए है। इसी के साथ ही मैंने यहाँ पे 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है और 1/2 चम्मच जीरा लिया है।
अगर आपके पास धनिया और जीरा पाउडर नहीं है तो आप इसे साबुत भी ले सकते हैं फ्राई करके। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर लिया है जो कि चूड़ा में अच्छा सा कलर लाएगा। आप चाहे तो इसमें हल्दी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने ऑयल में हल्दी ऐड किया था इसलिए मैं इसमें हल्दी अभी ऐड नहीं करूँगी। मैं इसमें एक चम्मच गरम मसाला और एक चम्मच चाट मसाला यूज़ करूँगी और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ग्राइंड कर लेंगे। अब हम फाइनली चूड़ा फ्राई करेंगे जो इस नमकीन का मेन पार्ट है। मैं यहाँ पे पोहे को अच्छे से धूप में पहले सुखा लिया था जिससे कि ये फ्राई होने में थोड़ी इजी हो। मैंने यहाँ पे पतला वाला पोहा लिया है। मैं यहाँ पे पोहे को दो पार्ट्स में अच्छे से फ्राई करूँगी ताकि ये इजीली फ्राई हो जाए। मैं यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके दो बार में इसे फ्राई करूँगी। तो ये पतले वाले पोहे हैं तो इसे इजीली फ्राई हो जाते हैं और इसे ज़्यादा समय नहीं लगता फ्राई होने में। तो इसे अच्छे से पलटते हुए हमें फ्राई कर लेना है जब तक ये क्रिस्पी ना हो जाए। अभी हमारी सभी चीज़ें तैयार हैं। यहाँ पे मसाला भी तैयार है जिसे हमने पाउडर बना के रखा था और सेव को भी हम अच्छे से तोड़ लेंगे और इसे छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। इसी के साथ ही हम इसमें पोहे को भी ऐड कर लेंगे। और इसे थोड़ा थोड़ा मिलाते हुए हमें इस मसाले को ऐड करना है। याद रहे एक साथ ज़्यादा मसाला ना ऐड करें वरना ये सारे चीज़ों में अच्छे से नहीं मिक्स हो पाएगा। थोड़ा थोड़ा मिक्स करेंगे और थोड़ा थोड़ा हम मसाला ऐड करते हुए इसे मिक्स कर लेंगे। चूड़ा में मसाला ऐड करने के बाद हमने जो तेल फ्राई करके रखा था जिसमें हमने मिर्ची और लहसुन का तड़का लगा के रखा था उसे ऐड करेंगे। इसे ऐड करने के बाद हमारे पोहे में अच्छा सा कलर आ जाएगा हल्दी का। अगर आपको लगे कि इसमें हल्दी थोड़ा कम है तो आप इस मसाले में भी हल्दी को ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे धीरे धीरे करके सारा मसाला इसमें ऐड कर लूँगी। सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। आप देख सकते हैं पोहे का भी कलर आ चुका है। अभी हमारे यहाँ पे पोहे नमकीन बनकर तैयार है। आप इसे शाम के टाइम स्नैक्स टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं। आपको आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर रेसिपी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।